देखिए ये देखिए सामने छोले हैं, ये देखिए पाव भाजी मैम, और ये देखिए यहाँ कुल्हर बना हुआ है, ये मेरा ही ये चावल कौन सा कितने का दे रहे हो प्लेट? 100 रुपए प्लेट है मैम, 100 रुपए प्लेट, 100 रुपए प्लेट चावल है यहाँ देखिए, 100 रुपए प्लेट, और ये पाव भाजी आइए सर बैठिए ऊपर, छोले भटूरे मसाला डोसा पाव भाजी छोले भट्टे छोले चावल, आइए छोले सी बैठ के खाइए ऊपर, आइए सर बैठिए बैठ के खाइए छोले भटूरे मसाला डोसा पाव भाजी छोले कुलचे छोले चावल। ये क्या क्या डाल रहे बेटा इसमें? पाव भाजी है, मिक्स है। अच्छा मिक्स है, एक प्लेट पाव भाजी बम्बई पाव भाजी है। अच्छा एक प्लेट में कितना क्या क्या चीज डालते हो ये बताओ? एक प्लेट में पाव भाजी डालते हैं, पाव डालते हैं, पाव आएगा उसमें बटर के साथ में आएगा, हरी मिर्च और चटनी और प्याज, अच्छा और अचार सब मिक्स आएगा। छोले भी बहुत अलग तरह का बना हुआ है। आइए बैठिए ऊपर, आइए छोले भटूरे मसाला डोसा पाव भाजी छोले कुलचे छोले चावल, आइए छोले सी में बैठ के खाइए ऊपर, कितने का देता हूं? 100 रुपए का। आइए मैं सुना, और ये वाला कुल्हड़ 100 का, ये भी 100 का ही है। क्या है? रबड़ी है। अच्छा ये रबड़ी है, और ये लस्सी है? ये लस्सी है। ये देखिए ठंडा हो गया, ये बादाम मिल्क है, बादाम मिल्क है, 100 रुपए का। आइए बैठिए ऊपर, आइए मैम बैठिए ऊपर, आइए मैम बहुत कहीं सर बैठिए ऊपर, छोले भटूरे मसाला लस्सी 100 रुपए, रबड़ी 80 रुपए। ये मैंने छोले भटूरे खाए, ये बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ। छोले का भी स्वाद बहुत अच्छा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, और चटनी भी बहुत अच्छा है, भटूरे भी बहुत अच्छे बने हैं। तो मैं अपना मुझे स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो मैं ही कहूँगी कि आप जब भी चांदनी चौक आएँ तो इस शॉप को एक बार ट्राई जरूर करें, आपको जरूर अच्छा लगेगा, दोबारा जब भी आइए आप चला जाइए। यहाँ पर मैं चांदनी चौक में आई हूँ, और ये देखिए अभी भीड़ देखिए कितना है सुबह, साथियों अभी चांदनी चौक में आई हूँ मैं, और सुबह के 10 बज रहे हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो मैं सोचा चलो कुछ आपको दिखाती हूँ। ये पराठे वाली गली है, सबसे ज़्यादा फेमस है चांदनी चौक का, पराठे वाली गली बहुत ही फेमस है, तो मैं यहाँ पे सोचा चलो कुछ आपको दिखाती हूँ। गर्मियों का मौसम है, ये अभी यहाँ पे जैसे लस्सी है कुल्हड़ का, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, तो चलिए देखते हैं किसी से मिल रहा है। और हम यह जानते हैं, ये देखिए इनका शॉप है, ये देखिए ये नाम, ये देखिए ये सारा दिन का, ये देखिए इनका दुकान ही है, और यहाँ पे हम आए हैं यहाँ, और भैया से बात करते हैं। सबसे पहले आप उन्होंने से जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ चलिए नमस्ते भैया, क्या क्या चीज़ें आपके पास? रबड़ी लस्सी, अच्छा रबड़ी बादाम मिल्क, चिल्ली कुल्फी। क्या रेट देते हैं आप?
रबड़ी लस्सी 100 रुपये। अच्छा 100 रुपये इसका। रबड़ी 90 रुपये। अच्छा बादाम में 100 रुपये। अच्छा अच्छा दिल्ली कुल्फी 70 रुपये। क्या क्या डालते हैं इसमें वैसे? बादाम पिस्ता के साथ। अच्छा रबड़ी रबड़ी लस्सी सारे नेचुरल चीज़ ही डालते हैं आप। अच्छा भैया ये कितने का दे रहे हैं आप लस्सी? 100 का मैडम। तो आप लोग खुद से दही जमाते हैं या अलग से बना बनाया लाते हैं? आता है। हाँ जी वृंदावन से आता है। वृंदावन से आता है? अच्छा वृंदावन से आता है। अच्छा सारे चीज़ें वृंदावन से आता है। ये देखिए ये पूरा ये है। ये देखिए लोग लेने वाले भी बहुत है। बादाम मिल्क है यहाँ पर सब चीज़ें हैं। देखिए भीड़ काफ़ी है। भीड़ बहुत लोग लाइन लगे रहते हैं। ये देखिए बादाम मिल्क कितने का दे रहे भैया? 100। और ये मटका रबड़ी है आपको कितने का दे रहे हो? जी 90 का है। अच्छा 90 रुपीज़। फुल भी है मेरा। ये कितने क्या चीज़ है? ये 70। अच्छा ये आइसक्रीम है? आम की है। आम की है। ये कितना है? ये आइसक्रीम है? इसमें अनार की है, आम की है, केसर की है, पिस्ता की है, रबड़ी की है। अच्छा सारे आइसक्रीम है। बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट बहुत है। लोग लेने वाले क्या आप भेज देखिए कितने लोग लगा रखा है। यहाँ का बहुत ही फेमस शॉप है ये। जो लोग चांदनी चौक आते हैं यहाँ पे मटके और रबड़ी खाने के लिए जरूर आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको भी जानकारी देती हूँ। कभी भी चांदनी चौक आए तो इस शॉप की जरूर लस्सी हो या मटके रबड़ी हो या फिर आइसक्रीम। तो मैंने ये देखा कैसे और ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मैं जानती हूँ क्या बताइए कैसा। ये भी 100 रुपये